नमना रहे। 7 अक्टूबर सन 2017 और शनिवार का दिन है और आप सभी लोग जानते हैं कि आराध्य की सेवा में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में हूँ। आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तिलाभिषेक कि आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे सवाल किया कि दाती महाराज जीवन में बरकत नहीं हो रही है, दुकान में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, आखिर करें क्या? यदि प्रयासों के बावजूद भी यदि आपके घर दुकान कारोबार में बरकत नहीं है तो ईशान कोण में सुंदर पूजा स्थान बनाकर उसमें मखमली लाल मस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर कमल घटे की माला रख दीजिए। कमल घटे की माला पर गजलक्ष्मी का श्री विग्रह स्थापित करें, हर रोज सुबह शाम गाय के देसी घी का दीपक जलाएं, चंदन की धूप बत्ती जलाएं और वहीं बैठकर ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की साल करें। 7 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करें, दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, कारोबार नहीं चल रहा हो, रोजगार के साधनों में परेशानी आ रही हो, कोशिशों के बावजूद भी घर में बरकत नहीं हो रही हो, हमेशा व्यर्थ की चिंताओं से मन घिरा रहता हो, तो लगातार 43 दिन 12 बादाम को दलिया बनाकर मैन दलिया पीसकर मछलियों को अपने हाथ से खिलाइए, लगातार 43 दिन तक बहुत लाभ मिलेगा। न स्वयं शराब पिए और न किसी को पिलाएं। भगवान शनि से संबंधित संपूर्ण वस्तुओं का दान शनिवार के दिन करके देखिए, सारे कष्ट मिट जाएं। एकदम ग्रह नक्षत्रों की दुनिया। अब मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए बात करूंगा शनिवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, गोचर संकेत रहे संतान संबंधी चिंताओं का समाधान होगा, बौद्धिक कार्य और कला के क्षेत्र में सफल होंगे, किसी विशेष कार्य सफलता के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होगी, समाज में मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा और आय ठीक रहेगी। क्या करें, महत्वपूर्ण यात्रा कारोबारी करना चाहते तो ठीक होगा, क्या ना करें, आर्थिक क्षेत्र में बदलाव न करें। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि समय अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा, सावधानी अपेक्षित है और नैतिकता का दामन पकड़ के रखना आज बहुत जरूरी है। मुंह में राम बगल में छुरी और अपनों के साथ धोखा प्रणाम अच्छे नहीं होगी मेरे मित्र, इस बात का ध्यान रखना। डरा नहीं रहा हूं, बनते हुए कार्य आज बिगड़ते नजर आएंगे, नौकरी और व्यवसाय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, राजनीतिक समस्या भी है, असमंज की स्थिति होगी, अपनों का सहयोग नहीं होगा, चोट की प्रबल संभावना है, ये चोट दिल के भी हो सकती है और वाहन के भी हो सकती है, चौपाया से भी हो सकती है, धन हानि का भय भी है। डरा नहीं रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक वृषभ राशि वालों सावधानी अपेक्षित है। छोटा सा उपाय, ओम नमः शिवाय यह है शलाक्षी मंत्र और नमः शिवाय यह है पंचाक्षरी मंत्र, तो पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो कष्ट कम आएगा। क्या करें, कानून के दायरे में रहकर कार्य करें, क्या ना करें, शत्रु को बढ़ावा न दे। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, नए व्यक्ति के आगमन से कारोबारी स्थिति में सुधार होगा, मित्रों से गलतफहमी दूर होगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने का सुअवसर प्राप्त होगा और परिवार के साथ उत्तम समय व्यतीत होगा। क्या करें, किसी से किए वादों को पूरा करें, क्या न करें, कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही ना करें। नमो नारायण। मेष वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले शनिवार का राहुकाल और शनिवार की यात्रा। शनिवार का राहुकाल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और राहुकाल ग्रहण शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। और बात करते हैं आज की यात्रा की।
पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूं कि समय और साधन बदल गए, चारों दिशाओं में आप यात्रा करें, लेकिन शनिवार दिन भगवान शनिदेव की मूर्ति की चरण स्पर्श करें, सरसों का तिल का दीपक जलाएं, ओम प्राम प्रीम प्रौम श शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करते अदरक चबदौते यात्रा पर जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों के शुभ संकेत। अपने कार्यक्रम को विशेष गति देने का प्रयास करें, सफलता अवश्य आपके साथ होगी। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, अपने दायित्वों की पूर्ति को आप पूरा करेंगे और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें, संतान की स्वेच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या न करें, ऋण आदि का लेन देन न करें। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि संतान संबंधी समस्या के प्रति लापरवाही न रहे। यदि संतान पक्ष अच्छा रहा तो परिवार में सुख शांति रहेगी और काम भी बनेंगे। आज के दिन सामाजिक मेलजोल बनाना आपके हितकर साबित होगा, लेकिन कार्य की सफलता के लिए ज्यादा उतावलापन उचित नहीं होगा। नए लोगों पर एकाएक भरोसा ना करें और खान पान पर थोड़ा सतर्क रहें। वैसे पैसा मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, आज राजनीतिक खुशखबरी भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही से बचना है। क्या करें, दाम्पत्य जीवन की सरसता बनाए रखें। क्या न करें, जोखिम के काम में हाथ न डालें। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही है, दोहरा स्वभाव नुकसान दे जाएगा और सितारों की चाल प्रतिकूल होने की वजह से अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वाहन प्रयोग में सतर्क रहें, मोटा पूंजी निवेश नहीं करें, कोर्ट कचहरी के मसले से दूर रहें, चोट आदि का भय है, खर्चों से बचें और व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट है इस पर भी आपको ध्यान देना है। सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह आज किन्नर को चरण स्पर्श करके श्रद्धानुसार दक्षिणा जरूर दें और किन्नर नहीं मिलता है तो माई के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाई और वहाँ बैठ कर एक पाठ दुर्गा अर्घला स्त्र का कर लेना, कष्ट कम आएंगे। क्या करें, मित्रों के साथ मधुर संबंध बना के रखें। क्या न करें, स्वार्थ और अहंकार वश कोई कार्य न करें। न मना कर्क सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, रसोई घर का प्रवेश द्वार दक्षिण एवं आग्नेय दिशा में नहीं बनाना चाहिए। पूर्व ईशान या उत्तर की तरफ रसोई का प्रवेश द्वार होना श्रेष्ठ माना गया है, ऐसा वास्तु शास्त्र ने कहा है, जरा आपने देख लेना है। और बात करते हैं आज के सुझाव। यदि आप निजी संपत्ति किसी आपकी निजी संपत्ति किसी ने हड़प ली है और संपूर्ण कानूनी प्रयासों के बाद यदि वो संपत्ति आपको वापस नहीं मिली, आज शनिवार 11 रक्त गुंजा ले, राहु कौल के तरह उन्हें महीन पीस कर जला दे, तस्वीर अपने ऊपर 7 बार उसारे, अपने हाथ में ले ले, भगवान शनिदेव का ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप करें और आंगन में छिड़क दे, उस जगह पर छिड़क दे जहाँ आपकी संपत्ति, अवश्य राहत मिलेगी। नमनन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले सितारों की चाल अनुकूल है, व्यापारिक प्रश्नों में सुधार आएगा, धन लाभ होगा और शुभ और मांगलिक कार्य सिद्ध होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा और पारिवारिक सुख और सहयोग रहेगा। क्या करें, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति थोड़ा सचेत रहें। क्या ना करें, यात्रा में लापरवाही ना करें। नमना रहे। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। चलो, कार्य व्यवसाय की स्थिति सामान्य नजर आ रही है, लेकिन गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, मान और सम्मान में वृद्धि होगी, घूमने फिरने और मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी, इस समय अच्छा बीतेगा भी। बस कुटुंब परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाए, अपने कारोबारी सतर्क रहे तो सारा दिन ठीक बीत जाएगा। क्या करें, कानून के दायरे में रह के कार्य करें। क्या ना करें, व्यर्थ की अर्थ हानि न होने दें। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, समय शुभ है, गोचर अनुकूल है, बेरोजगारों को नौकरी की संभावना नजर आ रही है, मित्रों और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, घूमने फिरने और मनोरंजन के क्षण प्राप्त होंगे, ब्राह्मण
जो भ्रामक धारणाएं हैं उनका खंडन होगा और आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। क्या करें, मित्रों और स्वजनों का सहयोग लें और दें। क्या ना करें, कर्ज के लेन देन से बचें। भाई तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात करूं, लेकिन उससे पहले उपाय नुस्खे और योगिक मुद्राएं। उपाय, धन संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी भी माह की अमावस्या के दिन प्रदोष काल में चांदी के चकोर पत्रे पर लक्ष्मी बीसा यंत्र खुदवा कर घर लेके आ जाए। श्रद्धापूर्व जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करें, हर रोज धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और ओम अक्ष कामनाय नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करें। हर रोज नीले कमल से इस यंत्र की पूजा करेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन और बात करते हैं अद्भुत देसी। दांत में दर्द है, नींबू के छिलके पर सरसों का तेल डालकर दांत और मसूड़ों पर लगाने से पायरिया और रोगों से बचाव और दर्द से छुटकारा मिलता है और दांत चमकते भी हैं। और बात करते हैं योगिक मुद्राओं की। यदि आपका असामान्य वजन बढ़ रहा है तब पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व को मिलाए। यह है पृथ्वी तत्व, अनामिका उंगली ये वाली, इसको आप अंगूठे की जड़ में रख दीजिए ऐसे ये, और इस अंगूठा इसके ऊपर रख हल्का सा प्रेशर दे दीजिए 48 मिनट लगातार 48 दिन। और इसी मुद्रा में ओम घृणी सूर्या ही आदित्याय नमः 48 मिनट रोज करके देखिएगा, अवश्य वजन संतुलित होगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, सितारे अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहे हैं। व्यर्थ में किसी से का सुननी संभव है, इसलिए वाणी में संयम रखें। परिश्रम पूर्वक किए गए कार्यों का उचित परिणाम प्राप्त नहीं होगा, भयभीत मत होना, आज दिन ऐसा ही है। बनते हुए कार्य में बाधा आएगी, वाहन प्रयोग में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। मित्रों से मनमुटाव संभव, धन का अपव्यय है साथियों, इसलिए आज थोड़ी सी सावधानी, डरना नहीं, आज है गोचर ऐसा, आपको छोटा सा काम करना है। श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। क्या करें, जीवन साथी की बात का महत्व है, क्या ना करें, आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वर्ष में उत्तम सितारों का शुभ संकेत, शुभ कर्मों की ओर मन प्रेरित होगा, सोच सकारात्मक रहेगी, निर्णय क्षमता बढ़ेगी, धन की कमी दूर होगी, अपनों का सहयोग मिलेगा, सामाजिक मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, किसी पिता तुल्य व्यक्ति का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें, व्यवहारिक जो लेन देन है वो आप कर सकते हैं, क्या ना करें, मन में अस्थिरता न रखें, न मना रहे। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ सितारों का शुभ संकेत, कार्य व्यवसाय आदि में मनोअनुकूल सुव्यवस्थित बना रहेगा, धन मान सम्मान अधिकारों में वृद्धि होगी, अधिकारी वर्ग विशेष सहयोग करेंगे और पारिवारिक जीवन सुखद और अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। क्या करें, कारोबार के क्षेत्र में फेरबदल कर सकते हैं, क्या ना करें, अनजान लोगों से पारिवारिक रिश्ता बनाने की कोशिश ना करें। यह था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन कि मैं अपने विचारों को लादता नहीं हूं, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा कि सेकेंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है, था और रहेगा। छोटा सा ब्रेक लूं, ब्रेक के बाद भगवान शनिदेव को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण, नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि कारोबारी समस्या है, पारिवारिक समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, कैरियर की समस्या, जीवन की कोई भी समस्या, भगवान शनिदेव को मनाई, संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। अब भगवान शनिदेव को कैसे मनाए, तो वो पूजा और वो मंत्र बनाओ। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत तिल के तेल का दीपक अपने पूजा स्थान में जलाई और वही शुद्ध आसन पर बैठकर ओम शम भानुपुत्राय नमः या फिर ओम शम भूत संग समावर्ताय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप कर 40 शनिवार करके देखिएगा, सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और बात करते हैं शनिवार के जीवन मंत्र की। ज्ञान, ज्ञान अनुभव का विषय है,
ज्ञान भीतर की पगडंडियों का मामला है, ज्ञान शब्दों की परिचर्चा नहीं है, अनुभव का मामला। और जब ज्ञान के माध्यम से गुरु की दिए उस सूत्रों के माध्यम से आप भीतर जाते तो योग शक्ति उत्पन्न होती है। ज्ञान के माध्यम से मानव योग और धर्म की ओर मुड़ता है। और जब व्यक्ति भीतर के तारों के साथ ज्ञान के माध्यम से जुड़ता है तो सफलता के फूलों की बौछार होती है। और ये फूल कभी नहीं मुरझाते, सदा हृदय में बाहर लाते। ज्ञान हृदय को पुलकित करता, हृदय को मुरझाने नहीं देता है। नमो नारायण। इसलिए ज्ञान की बात करें, नमो नारायण। समय छोटा सा ब्रेक आए और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ये समय है प्रभु दर्शनों का और दर्शनों के लिए चलते दाती धाम। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, रविवार का राशिफल, सूर्यदेव को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र सुझाव, देसी नुस्खे, उपाय, वास्तु सलाह लेकर। लेकिन आज अपनी गलती, अपनी भूल, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए विदा ले रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।